दमोह जिले के श्री जागेश्वर धाम कॉरिडोर निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया की शुरुआत के साथ मुख्य द्वार के परिवर्तन को लेकर शिव भक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर सुधीर कुमार कौचर से मुलाकात कर अपनी बात रखी, जिसमें बांदकपुर धाम के प्राचीन प्रसिद्ध मुख्य द्वार हाथी द्वार के नाम से जाना जाता है, उसे ही कॉरिडोर निर्माण में प्रमुख द्वार के रूप में रखे जाने की बात की। बांदकपुर धाम कॉरिडोर निर्माण के विषय में माननीय कलेक्टर महोदय से भेंट हुई, चर्चा हुई। अभी कॉरिडोर का जो विषय है उसमें अभी अखबार के माध्यम से जानकारी लगी कि जो कॉरिडोर निर्माण का मुख्य द्वार है वो मंदिर के पीछे की ओर करने का विचार चल रहा है, जिस पर हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय के सामने अपना पक्ष रखा और निवेदन किया है कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है अभी जिस दिशा में है, जिस ओर है, वैसे ही रखा जाए, क्योंकि यह अति प्राचीन द्वार है जो लगभग 1700 ईस्वी पुराना है, 400-500 वर्ष पुराना ये द्वार है और वास्तु, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। अभी लगभग 90% जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं इसी द्वार पर आते हैं, चाहे जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर और आसपास के अभाना, नोहटा, जवेरा, कटंगी जो क्षेत्र के लोग हैं वो इसी द्वार पर आते हैं। नर्मदा जी से जो कांवड़ यात्री आते हैं वो भी इसी द्वार पर आते हैं। जो हाथी दरवाजा है वो बांदकपुर मंदिर के इतिहास को लेके जो सबसे पुरानी पुस्तक है उसमें भी इस हाथी दरवाजे का मुख्य द्वार का वर्णन है। ये अति प्राचीन मुख्य द्वार है जो मंदिर द्वार है, और अभी जो श्रद्धालु बांदकपुर जाते हैं तो वो उत्तर की तरफ मुख करके ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, और बांदकपुर के उत्तर में ही भोलेनाथ का मंदिर और माता पार्वती का मंदिर है। तो जैसे पुराणों और शास्त्रों में वर्णन आता है कि उत्तर दिशा में ही भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है, तो वर्तमान में अभी उसी दिशा में है। यदि पीछे की तरफ हम दरवाज़ा रखेंगे और कॉरिडोर में दरवाज़ा होगा तो मंदिर फिर दक्षिण दिशा में आ जाएगा, जो कहीं ना कहीं बहुत ही हानिकारक या अन्य संकेत हो सकते हैं। तो माननीय जिला प्रशासन के माध्यम से कॉरिडोर जो निर्माण हो रहा है उसमें निवेदन किया गया हम भक्तों की ओर से कि मुख्य द्वार को एज इट इज़ रखा जाए। वर्तमान में अभी सामने मंदिर की ही ज़मीन है और मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है, जो मध्य प्रदेश शासन और मंदिर कमेटी अब उसको अधिग्रहित करे और उस पर काम करे। पर्याप्त भूमि है कि भव्य कॉरिडोर निर्माण बांदकपुर धाम में हो सकता है, इसलिए ये निवेदन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से किया गया है। माननीय कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इस विषय का समाधान करके ही आगे बढ़ा जाएगा, और इस विषय को माननीय मंत्री जी और अन्य पटल पर भी आप लोग भी रखें, ऐसा माननीय कलेक्टर महोदय ने संकेत किया हुआ है। जय जागेश्वरनाथ, जय भोलेनाथ। आज हम सभी कॉरिडोर के उपलक्ष्य में कलेक्टर साहब के पास अपनी बात रखने आए थे, और उन्हें हर चीज़ जो सत्य है, जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, जो हमारी मंदिर प्रांगण से जुड़ा हुआ है, वो सारे यथार्थ चीज़ें उनको बताई, उनको और उनको भी ये चीज़ें लगा कि हाँ, ये लोग जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही है, और हमें लगता है कि हम इस मुहिम में जल्द ही कामयाब होंगे। धन्यवाद। आज हम सभी लोग भगवान जागेश्वरनाथ धाम का जो कॉरिडोर निर्माण की जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी उस विषय पर आज हम कलेक्टर साहब से मिले, क्योंकि हमें जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार हमें यह जानकारी मिली कि जो वर्तमान समय में बांदकपुर का जो मुख्य द्वार है, जिसे हम हाथी द्वार कहते हैं, जो अति प्राचीन है, उसे बदलकर अब दूसरे ओर, दूसरी दिशा की ओर, जो कि अभी उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जो दरवाज़ा है उसकी जगह उत्तर दिशा की ओर नया दरवाज़ा, नए कॉरिडोर बनाने के समय बनाया जाएगा, जिसके विषय में हम सभी ने आदरणीय कलेक्टर साहब को अवगत कराया कि वह द्वार हमारे ऐतिहासिक महत्व का द्वार है और धार्मिक महत्व का द्वार है, साथ ही वास्तु के हिसाब से भी वह द्वार सही बना हुआ है, और इसी विषय को लेकर आज हम सभी लोगों ने कलेक्टर साहब से मुलाकात की। कलेक्टर साहब ने हमें बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन दिया और उन्होंने हमें बोला कि हमें किस तरीके से इस विषय को आगे ले जाना है। हम निश्चित रूप से उनके दिए गए मार्गदर्शन का पालन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने हमें इस बात पर भी आश्वस्त किया है कि अगर जब तक इस बात पर आम सहमति नहीं होगी तब तक अब किसी भी प्रकार से द्वार का काम नहीं हो पाएगा, चाहे वह इस द्वार को आगे बढ़ाने का या इसका विकास करने की बात हो या फिर नए द्वार को दूसरी ओर बनाने की बात हो। तो निश्चित रूप से यह हमारे कलेक्टर साहब का आश्वासन हमारे लिए एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से अच्छा है कि अब जो द्वार बनेगा वह वास्तु के हिसाब से, धार्मिक महत्व के हिसाब से, लोगों की भावना के हिसाब से होगा। जय जागेश्वरनाथ।